मैंने आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारे कार्गो पैंट्स की वीडियो बनाई है, बहुत सारे ब्रांड्स को कवर किया है, लेकिन मैं प्राउडली ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो हमारी अब तक की सबसे बेस्ट कार्गो हॉल है। हमारे पहला कार्गो पैंट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है पावर लुक। इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी रिव्यू करने के लिए पावर लुक के कार्गो की। पावर लुक आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 2999, प्राइस को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऑलिव ग्रीन कलर का पूरा कार्गो पैंट है, यहाँ पर आपको ऊपर में दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही इसके पॉकेट की जो कटिंग है बहुत ज्यादा न्यू, ऐसा ना बॉक्सी शेप में से कट किया गया है, अलग सी लगती है। छोटू पॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा, मेटल के आपको बटन देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको पावर लुक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मेन क्लोजर बटन भी आपको पूरा मेटल का मिलता है और अच्छी क्वालिटी का है। मेटल शेप आपको देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये कार्गो पैंट है, आपको नीज के पास में बड़े बड़े पॉकेट देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर पॉकेट की बात करें, अच्छी खासी साइजिंग है, ऊपर में आपको फ्लैप मिल जाएगा और क्लोजर के लिए यहाँ पर वेलक्रो टेप्स यूज किए गए हैं। सेम दूसरे यानी लेफ्ट वाले लेग में आपको दो पॉकेट देखने को मिलते हैं जहां पर अगेन वेलक्रो वाली आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी और सारे ही पॉकेट में अच्छी खासी स्पेस डाली गई है। मल्टीपल स्टिचिंग्स के थ्रू बीच बीच में आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी। बैक की तरफ जाए तो आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर अगेन एक फ्लैप देखने को मिलता है। बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर जाए तो बहुत ज्यादा ना नैरो नहीं रखा गया, ओवरऑल फिटिंग बहुत खूबसूरत आती है पैंट में। एंड सबसे बेस्ट बात, इसका फैब्रिक एक्चुअली पावर लुक ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पावर लुक। अंदर में आपको पावर लुक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साइड में आपको एक छोटू सा पैच मिल जाएगा जहां पर डिटेलिंग्स लिखी हुई है। एंड ओवरऑल अगर इस प्रोडक्ट को जज करें ना, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप 1500-1600 रुपए के आसपास में एक अच्छा कार्गो पैंट खोज रहे हो। नेक्स्ट कार्गो पैंट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई डेनिस लिंगो। डेनिस लिंगो आपको टैग मिलेगा, प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई 2949 रुपए, लेकिन आपको पे नहीं करना है। ये एक बहुत एसेंशियल ब्लैक कलर का कार्गो पैंट है एंड जिस प्राइसिंग में ये आता है ना, नो वन कैन बीट दिस। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लैक कलर का कार्गो पैंट है, साइड में आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जिसकी डेप्थ नॉट द वेरी बेस्ट, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अंदर के फैब्रिक की भी क्वालिटी अच्छी है। प्लास्टिक इसमें आपको बटन देखने को मिलते हैं डेनिस लिंगो के, आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इसकी जो जिप की भी क्वालिटी है बहुत अच्छी है। क्योंकि कार्गो पैंट है, नीज के पास में आपको दो पॉकेट देखने को मिलेंगे, पॉकेट की डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, ऊपर में आपको फ्लैप मिल जाएगा क्लोजर के लिए। नीचे की अगर फिटिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं रखा गया, ना ही बहुत ज्यादा नैरो है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट फिट टाइप का आता है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बैक की तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, ऊपर में कोई फ्लैप नहीं मिलता, साइड में आपको कोई ऐसे जींस जैसी ब्रांडिंग नहीं मिलती, अंदर में आपको डेनिस लिंगो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल देखो ब्लैक है, बहुत ज्यादा सिंपल डिजाइनिंग है, लेकिन दिल जो जीत रहा है ना ये प्रोडक्ट, वो जीत रहा है अपने फैब्रिक से। बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा प्रीमियम फैब्रिक फील हो रहा है एंड डेफिनेटली इसके प्राइस के हिसाब से यानी 800 रुपए के हिसाब से दिस इज द किलर डील। अगर आपको बिल्कुल भी सस्ता चिपकू सा कार्गो पैंट नहीं चाहिए लेकिन ओवर साइज्ड कार्गो पैंट भी नहीं चाहिए, बेस्ट है। नेक्स्ट कार्गो पैंट आ गया हमारे पास में, ये जो ब्रांड है ना, मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया और थोड़ा सा स्केर्ड था कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर से चार कमियां ना बतानी पड़ जाए। लिटरली शॉकिंग क्वालिटी है। ब्रांड का नाम है टी बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कलर की बात करें, अगेन बहुत ज्यादा बेसिक चुना है और ये बहुत नॉलेज वाली बात है कि जब भी आप कार्गोस खरीदो हमेशा बेसिक्स कलर चूज करना है। ग्रे के ऑल शेड्स, ब्राउन के ऑल शेड्स, ग्रीन के एवरी शेड्स नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऐसे शेड्स और व्हाइट कलर ही आपको चुनना है। टी बेस की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई 3199 रुपए। किसी नए ब्रांड के लिए इसके बारे में आपको पता ना हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। बीच में आपको मेटल का बटन देखने को मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है और वहां पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। मेटल के इसमें आपको जिप देखने को मिलेंगे, वाइकी के का चेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नीचे की तरफ आपको दो बड़े पॉकेट्स मिलते हैं जो कि इसकी डिजाइनिंग का पार्ट है। साथ ही इसकी जो साइजिंग है बहुत ज्यादा तगड़ी है, बॉक्सी पॉकेट्स डिजाइन किए गए हैं। दोनों तरफ आपको टिप टॉप बटन देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट वाले पॉकेट के फ्लैप के ऊपर आपको थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग देखने को मिलेगी, टेक्सटोग्राफी की गई है। चारों तरफ कार्गो में आपको स्टिचिंग्स के थ्रू डिटेलिंग देखने को मिलेगी, ग्रे थ्रेड से ही किया गया। नीचे की तरफ अगेन बहुत ज्यादा सुपर वाइड नहीं है लेकिन स्ट्रेट फिट जैसा भी आप नहीं कहोगे, रिलैक्स फिट पैंट्स कैसे होते हैं एग्जैक्टली वैसा इसे बनाया गया है। बैक की तरफ आए तो यहाँ पर आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इनर साइड में है। बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे और एक चीज आप और क्या नोटिस करोगे भाई, फैब्रिक बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड ईच एंड एवरी सेक्शन में ना आपको यहाँ पर क्वालिटी फील होगी। लिटरली पैंट के अंदर में हैंग करने के लिए एक अलग से जुगाड़ दिया गया है, 98% कॉटन एंड 2% इलास्टीन के साथ आता है, यानी बहुत अच्छे से हल्का हल्का स्ट्रेच होता है एंड यू लव द फीलिंग। देखो इसकी प्राइसिंग ना 2000 रुपए के आसपास की है, आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन जो क्वालिटी ऑफर कर रही है ना कंपनी, दैट इज द ग्रेट। अगर एक अच्छे पैंट के लिए इन्वेस्ट करना है इसके लिए हंस के जा सकते हो। बहुत सारे लोग हमर होम्स के पैंट का रिव्यू देखना चाहते हैं, सो हम आपको बताने वाले एग्जैक्टली कैसा है कैसा नहीं है। अपन होम कट आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर है 3299, कुछ ज्यादा ही इन्होंने कोट कर दिया प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से। एक अगेन बहुत खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर का पैंट है, कार्गो पैंट है। साइड साइड में आपको दो पॉकेट
पॉकेट्स मिलते हैं, नीचे आपको दो बॉक्सी पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी है, ऊपर फ्लैप मिल जाएगा। क्विक क्लोजर के लिए यहाँ पर वेलक्रो टेप नहीं मिलता, टिप टॉप बटन नहीं मिलता, प्लास्टिक का आपको बड़ा सा बटन देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको नॉर्मल सा चेन देखने को मिलेगा जैसा हमें मिला था डेनिस लिंगो में। बैक की तरफ देखे तो एक साइड में ही आपको इसमें पॉकेट देखने को मिलेगा जिसके ऊपर में हवर होम की ब्रांडिंग की गई है। नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पर आपको अगेन स्ट्रेट फिट जैसे यहाँ पर फिटिंग दिया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर इसके फिटिंग एंड फीलिंग की बात करें ना, देखो इसकी प्राइसिंग जो है वो 800 रुपए के आसपास की है, उस हिसाब से जज करें एक अच्छी क्वालिटी है। जब भी फिटिंग्स पैंट पहनते हैं या खरीदते हैं, एक चीज हमेशा जरूरी होती है, हल्की सी स्ट्रेचनेस जो इसमें मिसिंग लगी, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी है प्राइस के हिसाब से। इस वाले पैंट का और डेनिस लिंगो का प्रॉपर अच्छा वॉर है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि डेनिस लिंगो जीत जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पैंट आ गया हमारे पास में, और ये जो ब्रांड है आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे क्योंकि यूजुअली ये ब्रांड हमारे वीडियो में डेब्यू नहीं करता। ब्रांड का नाम है मार्क एंड स्पेंसर इन कैमरा, पहली बार मैं इसके पैंट को रिव्यू कर रहा हूँ। प्राइसिंग है इसकी भाई 3,499 रुपए, इतना आपको पे नहीं करना है, डोंट वरी। सारे पैंट्स के आपको बजट बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे, हमने लो ब्रांड्स को भी कवर किया है, हाई ब्रांड्स को भी कवर किया है और जो बेस्ट दे रहे थे उनको कवर किया है। ये कार्गो पैंट पूरा ग्रे कलर का आता है, साइड साइड में अगेन इसमें आपको पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, क्लोजर के लिए आपको प्लास्टिक के बटन देखने को मिलते हैं, मेटल का आपको जिप मिलेगा, थोड़ी मोड़ी स्टिचिंग्स की आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी, साइड साइड में आपको पॉकेट देखने को मिलेंगे, लेकिन इन पॉकेट्स को ऐसे प्लेस किया गया है ना, बिल्कुल ही सीधा सीधा पॉकेट नहीं, हल्का सा ना टेपर है, क्योंकि इसमें एक नया सा लुक ऐड करता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट फिट जैसा यहाँ पर फिटिंग मिलता है, लेकिन एकदम बॉटम में ना यहाँ पर आपको ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप ऐसे खींच कर एक नैरो या जॉगर टाइप की फिटिंग भी बना सकते हो। वहीं अगर बैक पे देखें तो यहाँ पर आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे इनर साइड में, ऊपर आपको फ्लैप मिल जाएगा। साथ ही इसकी वेस्ट की जो डिटेलिंग है ना थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर आपको बटन के साथ साथ नाड़ा भी मिलता है, यानी इसमें आपको बेल्ट लगाने वाला कोई जुगाड़ नहीं मिलेगा, पूरा जो वेस्ट है इसका इलास्टिक जैसा बनाया हुआ है, इसमें भी आपको इलास्टीन का मिक्सचर देखने को मिलेगा क्योंकि हल्का हल्का स्ट्रेच होता है। लेकिन जो और एक चीज स्ट्रेच हो रही है वो हो रही है इसकी प्राइसिंग, यानी 2000 के अबव चल जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है अदर ब्रांड से। क्वालिटी वाइज डेफिनेटली अच्छी है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। ओपिनियन की बात करें तो इससे कम प्राइस में आपको TBS वाला मिल रहा है, उसके अंदर में आपको बहुत सारे और ब्रांड्स मिल रहे हैं जो कि इससे बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन आपको ब्रांड का ठप्पा चाहिए तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रांड है एक और बहुत खूबसूरत बजट ब्रांड है भाई, और हर वीडियो में हर प्रोडक्ट में इस ब्रांड का एक प्रोडक्ट एड हो ही जा रहा है। एक बहुत खूबसूरत नेवी ब्लू कलर का पैंट है, इस कलर को मैंने कलर वाले पैलेट में मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके लिए भी आप जा सकते हो। यहाँ पर अगर देखे तो अगेन बहुत ज्यादा सिंपल डिजाइनिंग है। एक चीज है कि जितने भी सस्ते कार्गो पैंट्स खरीदोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा तामझाम और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ना काम नहीं किया जाता, मतलब सिंपल सा एक चीनो बनाएंगे जिसके साइड साइड में दो पॉकेट डाल देंगे, हो गया कार्गो पैंट। साइड साइड में आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टिक आपको बटन मिलते हैं विद द ब्रांडिंग, और इसमें बहुत खूबसूरत पतला सा जिप देखने को मिलेगा जो कि फॉर्मल पैंट्स में होता है। साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे, अगेन बॉक्सी शेप वाले हैं, और इसमें क्लोजर के लिए भी आपको दो दो बटन मिलते हैं ईच पॉकेट में। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे दोनों इनर साइड में, और साइड में द इंडियन गैराज की ब्रांडिंग मिलेगी। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है जॉगर फिटिंग, और यही इस पैंट को अलग बनाता है अदर पैंट से। कफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इलास्टिक क्वालिटी सॉफ्ट है, और ये भी फैब्रिक हल्का हल्का स्ट्रेच होता है, यानी अगर इसके कंपोजिशन को देखें तो यहाँ पर यूज हुआ है 98% कॉटन, 2% इलास्टीन, मेड इन बांग्लादेश। ये पैंट महज आपको 700 रुपए के आसपास में मिलेगा। आपके दिमाग में ऐसा डिजायर नहीं है ना कि एकदम बैगी बैगी ही हाई क्वालिटी पैंट पहनना है, सिंपल कार्गो पैंट चाहते हो भाई, 700 रुपए में इससे अच्छा नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट पैंट आ गया हमारे पास में, लेकिन इसमें जाने से पहले थोड़ी मोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेल आ रहा है, बहुत सारे खतरनाक डील्स आने वाले हैं, लिटरली हमने एक वीडियो बनाई, बवाल हो गया, बहुत सारे व्यूज आए, और आपको बता दूं हम सेल्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। नहीं सब्सक्राइब किया जाकर कर लो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ना मिले तो सर्च कर लेना OneChanceTG। साथ ही पिछले बार हमने जितने भी कार्गो पैंट्स के वीडियोस बनाए थे उसकी क्वालिटी और आज की क्वालिटी में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है, ब्रांड बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, और साथ ही इंप्रूव कर रहे हैं हम क्योंकि आप हमें दबा के सपोर्ट कर रहे हो। अब तक नहीं किया बस सब्सक्राइब बटन को दबा देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ब्रांड का नाम है इवोक, एक और खूबसूरत ग्रीन कलर का पैंट, ये मिलिट्री ग्रीन्स ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इवोक की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, और प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 2399। आई लव दिस टैगिंग, छोटी सी में पूरी डिटेलिंग आती है और इन्वायरमेंट का खनन नहीं होता। साइड में कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, मेटल के छोटे छोटे इसमें आपको बटन देखने को मिलते हैं जो कि इसमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग कार्गो वाली फीलिंग ऐड करते हैं। मेटल का आपको प्रॉपर बटन देखने को मिल जाएगा, मेटल के जिप्स देखने को मिल जाएंगे, साइड साइड में आपको दो पॉकेट मिलेगा, वेलक्रो की थोड़ी सी डिटेलिंग मिलेगी, और स्टिचिंग्स और पैचिंग के थ्रू भी ना आपको नी पास थोड़ी सी डिटेलिंग मिलेगी जो कि इसमें वही कार्गो वाली फीलिंग ऐड करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करेंगे इसे और बेहतर बनाएंगे। बैक की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, साइड साइड में अगेन मेटल के बटन देखने को मिलते हैं, विच आई डोंट लाइक टू मच क्योंकि बैठने के वक्त ना ये थोड़ा बम में दम लगाता है। बाकी इसमें आपको बेल्ट के लूप्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बैगी नहीं, बहुत ज्यादा नैरो नहीं, बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेट फिट टाइप का आएगा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मल्टीपल स्नीकर्स के साथ, कॉन्वर्स के साथ,
साथ और स्पेशली बूट के साथ मैं आपको एक ही के साथ पहन के दिखाऊंगा। बाकी अगेन इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी, स्मूथ है, कॉटन की है और ये स्ट्रेच नहीं होता, ये प्योरली कॉटन का बना हुआ है। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद, पेश, बूम।